राज्य मंत्रिमंडल ने जो है वो एक कैबिनेट सब समिति जो है वो बनाई थी जो असेसमेंट और रिड्रेसल ऑफ वेरियस इश्यूज इन डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ ऑन आउटसोर्स बेसिस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो विभिन्न सेवाधारकों द्वारा आउटसोर्स बेसिस पर जो है वो एम्प्लॉई किए जाते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई थी। उस सब कमेटी ने अपनी जो है वो रिपोर्ट मंत्रिमंडल को प्रस्तुत कर दी है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने का निर्देश मंत्रिमंडल ने दिया है रिकमेंडेशंस के हिसाब से, और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट की तर्ज पर एक निगम जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज की डिप्लॉयमेंट के लिए जो है बनाया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है उसको ही ये काम सौंपा जाएगा, और उसका नाम बदल करके हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम जो है वो रखा जाएगा, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है वो बदलाव किया जाएगा, जिसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो है वो अप्रूव जो है वो कराने की आवश्यकता है, उसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी डिटेल्ड पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी और आने वाले समय में जो है वो जो ऑलरेडी आउटसोर्स पर लगे भी हैं और जो नए भर्ती होंगे उन सबको जो है वो इसके द्वारा ही लिया जाएगा, और भर्ती के भी तरीके जो हैं वो उसमें जो है वो बताए गए हैं, ताकि कोई बड़े ओपन विंडो से जो है वो रिक्रूटमेंट हो सके, किसी प्रकार की जो है वो बैकडोर एंट्री ना हो। ये पहला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज के लिए जो है वो सरकार ने लिया है, जिससे उनका जो भविष्य है वो भी संवरेगा, और जो प्रेजेंट जो है वो उनके एमोलमेंट्स वगैरह जिसमें बहुत सारी कंपनियां जो है वो प्रॉपर एमोलमेंट्स इत्यादि नहीं देते थे वो भी समाप्त हो जाएगी। अब जो कुछ भी जो है वो डिप्लॉयमेंट होगी वो गवर्नमेंट निगम के द्वारा ही की जाएगी। पॉलिसी इसकी जो है वो वर्कआउट करने के लिए जो है वो विभाग को आदेशित कर दिया गया है। जो जिला स्तर के जो है वो जुडिशियल एम्प्लॉयज हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो लोग हैं, उनको 1 जनवरी 2016 से रिवाइज पे स्केल देने का जो है निर्णय लिया है। उसके लिए इनके जो हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एम्प्लॉयज के पे अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2005 हैं, जो है उनको संशोधित किया जाएगा। इससे 2300 कर्मचारियों को जो है वो लाभ प्राप्त होगा। मंत्रिमंडल ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें पेंशन अनाउंस 5%, 10% और 15% अलग अलग जो कैटेगरीज का होता है वो सभी पेंशनर्स को और फैमिली पेंशनर्स को, साथ ही साथ ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर जो हैं, जो स्टेट कैडर से संबंध रखते हैं,
उनको जो है वो रिवाइज ओरिजिनल पेंशन या ओरिजिनल जो फैमिली पेंशन है उसके हिसाब से जो है वो इनको दे दिया जाएगा, जिससे 86,200 पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो है लाभान्वित होंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।